सभी को जय माता दी, जय श्री राम। नमो स्वनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्त्रपादाक्ष शिरोरुबाहवे सहस्त्रनामने पुरुखाय शाश्वते सहस्त्रकोटियुगधारिणे नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। सभी भक्तजनों को यह जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी कि हमारे क्षेत्र में गांव चताड़ा जिला ऊना हिमाचल प्रदेश में माता बगलामुखी जी का हम एक दिव्य भवन बनाने जा रहे हैं, जिसका भूमि पूजन आने वाली 8 दिसंबर को सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक होगा, जिसमें सुबह 8 बजे से 10 बजे तक हमारे क्षेत्र के प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय संत समाज के द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा और वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रोच्चारण करके कलश स्थापित किया जाएगा। तदुपरांत भजन कीर्तन और भजन कीर्तन के उपरांत सभी आए हुए भक्त आगंतुकों के लिए भंडारे की व्यवस्था है। जैसा भी हम सभी से मिल करके सहयोग से ये प्रोग्राम हमने करने की कोशिश की है, तो आप सभी का सहयोग भी मिल रहा है, आगे भी आशा करते हैं कि आज सहयोग मिलता रहेगा। और मेरी सभी से हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना है कि 8 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ पर पहुँच करके माता बगलामुखी जी का आशीर्वाद लें और प्रसाद ग्रहण करें, ताकि हमारा जो ये कार्य है वो सफल हो सके। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माता बगलामुखी जो कि महाविद्या ब्रह्मस्त्रा देवी है और अष्टम महाविद्या है, जिसका पूजन करने से ऐसी मान्यता है कि शत्रुओं का नाश होता है, शत्रु नाशिनी माँ बगलामुखी, और जीवन में आए हुए अनेक प्रकार के कष्ट, चुनौतियाँ, मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन, उच्चाटन, कीलन इत्यादि से विमुक्ति मिलती है। और माता का पूजन अर्चन वंदन करने से तत्कालिक क्षण हमें अनेक प्रकार के कष्टों से विमुक्ति मिलती है। जैसा आप सभी जानते हैं, माता बगलामुखी जी के प्रसिद्ध स्थान जैसे दतिया में है और हमारे क्षेत्र में देहरा बनखंडी सुमैली ग्राम में माता बगलामुखी जी का सिद्ध स्थान है, जहाँ पर बड़ी दूर दूर से कई श्रद्धालु आते हैं, शीश नवाते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं, मनोकामना की सिद्धि होती है। उसी सभी वस्तुओं से हम प्रेरित होकर के हमने कुछ लोगों से मिल करके माता बगलामुखी जी का भवन बनाने का जो ये प्रण लिया, जिसमें कई चुनौतियाँ आई, परंतु फिर भी हम इस कार्य को करने के लिए अग्रसर हैं और आशा करते हैं कि इस भवन को बनने में आप सभी हमारा सहयोग करेंगे और जैसे भी हो सभी मिलकर के हमें प्रेरणा दें, ताकि हम इस कार्य को करने में अग्रसर हों। जय माता बगलामुखी, जय माता दी।